पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 75वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ के साथ भी उनकी कई यादें जुड़ी हुई हैं। 34 बरस पहले देश के सबसे युवा पीएम को विशेष आदिवासी जनजाति की संस्कृति और रहन सहन और खान पान और वेशभूषा जानने की जिज्ञासा यहां खींच कर ले आई थी। आदिवासियों की झोपड़ी में जाकर पहली बार उन्होंने पत्तल दौना में खाना खाया और चरोटा भाजी का स्वाद चखा था। आज भी यहां पर दुगली वासियों के जहन में वो याद ताजा है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर पूरा देश याद कर रहा है। ऐसे में भला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी विकास खंड स्थित ग्राम दुगली के ग्रामीण उन्हें कैसे भुला सकते हैं। भारत रत्न राजीव की वो यादें आज भी उनके जहन में कायम है। 34 साल पहले देश की सबसे प्राचीन और पिछड़ी जनजाति कमार की संस्कृति और जीवन शैली को जानने की जिज्ञासा उन्हें दुगली खींच कर लेकर आई थी। 14 जुलाई 1985 का वो दिन कमार जनजाति के लोगों की इन बूढ़ी आंखों में आज भी उसी तरह ताजा है जब राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ यहां पहुंचे थे। देश को कंप्यूटर युग से जोड़ने वाले राजीव आदिवासी अंचल में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की जानकारी लेने दुगली के प्राइमरी स्कूल भी पहुंचे। स्कूल से वे सीधे कमारपारा पहुंचे जहां सरकार द्वारा बनवाए गए कुएं का निरीक्षण किया गया। यह कुआं आज भी राजीव गांधी के कमारपारा प्रवास का गवाह है। वे यहां मैतूराम की झोपड़ी में पहुंचे जहां अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने पलाश के पत्ते से बनाए गए दोने में मड़िया पेज, कड़ू कंद, कुल्थी बीज की दाल और चरोटा भाजी का स्वाद भी चखा। मान राजीव गांधी सोनिया भाई दोनों जन आगे भी से उकरमन से बातचीत होके करुकांडा मड़िया पे चरता भाजी खवा हन साथ में खाए हन तुम्हा ले तुमन हा अपन यह में तुमन हा धरे रबे सके की ते मैं पांच साल के बाद एक आऊंगा। इसके बाद जो होएगा इसके बोलिस भाई। मैतूराम और उसकी पत्नी के साथ बातचीत में राजीव गांधी ने उनकी मांगों के बारे में पूछा तो मैतूराम ने बताया कि उन्हें खेती के लिए जमीन चाहिए, जिसके जवाब में राजीव ने कहा तुम जमीन देखकर रखना, मैं अगली बार आऊंगा। और श्री पैरम्बदूर एक आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई। आज उनकी जयंती पर भूपेश बघेल की सरकार 136 करोड़ रुपए से कई विकास कार्यों की सौगात देने जा रही है। इतना ही नहीं, राजीव गांधी ने जो वादे यहाँ की जनजातियों से किए थे उन्हें भी पूरा किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और साथ में कई कैबिनेट के सम्माननीय मंत्रीगण यहाँ दुगली में प्रवास पर रहेंगे और ये जो कार्यक्रम यहाँ दुगली में है इसमें मुख्यतः 137 करोड़ पूरे जिले के निर्माण कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन उनके द्वारा किया जाएगा। जब राजीव गांधी जी का प्रवास यहाँ 34 साल पहले हुआ था उस समय कुछ कमार जनजाति के जो हमारे सदस्य हैं उनकी कुछ मांगे थी, मांगों पे मुख्यमंत्री महोदय ने हाल में ही कुछ बड़े निर्णय लिए हैं कैबिनेट से। आदिवासियों को लेकर सूबे की सरकार लगातार अपनी संवेदनशीलता दिखा रही है। सत्ता संभालने के कुछ दिन बाद ही बस्तर में आदिवासियों की अधिग्रहित की गई जमीन लौटाई जा रही है। सरकार ने सूबे में जनजातियों को दिए जा रहे आरक्षण के प्रतिशत को भी बढ़ा दिया है। राजीव गांधी आज नहीं है लेकिन आदिवासियों के विकास को लेकर उनके हर सपनों को अब भूपेश सरकार पूरा करने जा रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए धमतरी से लोकेश साहू की रिपोर्ट। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।